हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोनपे अकाउंट कैसे बनाते हैं 2021, और साथ में आपको बताऊँगा कि फ़ोनपे में बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आप सभी को इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप फ़ोनपे चलाते हैं, फ़ोनपे से मोबाइल रिचार्ज पेमेंट या बिल पेमेंट कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस सब पर बहुत सारे कैशबैक दिए जाते हैं। सो आज की वीडियो में इसको बताने वाला हूँ कि फ़ोनपे अकाउंट कैसे बनाते हैं 2021। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह से हेल्प वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों का उस पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फ्रेंड्स, फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोनपे ऐप का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके यदि आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ रुपये कैशबैक मिलेगा जितना फ़ोनपे की तरफ से ऑफर होगा। यदि आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा ताकि आपको कुछ रुपये का कैशबैक मिल सके। फ़ोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ओपन करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी की बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, तभी आप इसमें बैंक अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको सिंपल सा प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ परमिशन मांगे तो आपको परमिशन को दे देना है, यानी कि अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो इसको आपको मैनुअली फिल कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, कुछ परमिशन मांगे तो परमिशन को आपको दे देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि फ़ोनपे एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स, हमारा फ़ोनपे अकाउंट बन चुका है, अब हमें इसमें बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके फ़ोन में इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है ऐड बैंक अकाउंट, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा माई मनी, तो आपको सिंपल सा माई मनी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप माई मनी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। पेमेंट्स के अंतर्गत आपको आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट्स, तो आपको सिंपल सा बैंक अकाउंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। इंडिया की हर बैंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो पॉपुलर बैंक है आपको ऊपर ही मिल जाएगा। तो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सी बैंक है। यदि आपका बैंक का नाम इसमें नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली आप अपना बैंक का नाम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा समय तक वेट करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट सक्सेसफुल यहाँ पे फाइंड कर लिया है। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे यूपीआई आईडी भी मिल चुका है। फ्रेंड्स, यदि इसको आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नीचे एक बटन मिलेगा प्रोसीड टू ऐड, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट फ़ोनपे में सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को एक बात को ध्यान देना है कि आपने अभी जिस बैंक को ऐड किया है, इस बैंक के साथ में पहले से कोई यूपीआई आईडी बनाए हैं और यूपीआई पिन को बनाए हैं तो आप उसी यूपीआई पिन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नए यूपीआई पिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप पहले से यूपीआई पिन को बनाए हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल सा डाउन का बटन है नीचे, इस पर क्लिक कर सकते हैं, और आप ट्रांजेक्शन करते समय आप जो पहले का यूपीआई पिन बनाए हैं उसी पिन से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको नए यूपीआई पिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, यदि आप अपना यूपीआई पिन को भूल गए हैं या आप इस बैंक के साथ में पहले से कोई भी यूपीआई पिन नहीं बनाए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है रीसेट पिन के ऑप्शन पे। जिससे आप रीसेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आपको अपना एटीएम कार्ड का डिटेल फिल करना होगा। दोस्तों, सबसे ऊपर आपको अपना एटीएम कार्ड का आखिरी का 6 नंबर इंटर करना है, और इसके नीचे आपको अपना एटीएम कार्ड का वैलिड डेट इंटर करना है, मंथ और ईयर। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड का आखिरी का 6 नंबर डाल दिया हूँ, इसके नीचे अपना एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर। इसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी को सबसे ऊपर आपको डालना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी आ चुका है, और मैंने ओटीपी को यहाँ पे डाल दिया हूँ। ओटीपी को डालने के बाद में आपको नीचे यूपीआई पिन को सेट करना है। फ्रेंड्स, किसी किसी बैंक में 6 नंबर का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आता है, किसी किसी बैंक में 4 नंबर का यूपीआई पिन सेट करने के ऑप्शन आते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारे बैंक में 6 नंबर का UPI पिन सेट करने का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे 6 नंबर का UPI पिन को सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो आप UPI पिन बनाना चाहते हैं यहाँ पे आपको नीचे डाल देना है। पिन को डालने के बाद में आपको राइट क्लिक पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। कन्फर्मेशन के लिए आपको उसी पिन को दोबारा से डालना है जो अभी आपने डाले थे। इसके बाद आपको फिर राइट क्लिक पे क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा UPI पिन सक्सेसफुल सेट हो चुका है। फ्रेंड्स अभी आपने जो UPI पिन को सेट किया था इस पिन को आपको याद भी रखना है, क्योंकि आप इस एप्लीकेशन से जब भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो आपसे ये UPI पिन को मांगा जाएगा। इसके बाद आपको डोंट के बटन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स हमने फ़ोनपे में सक्सेसफुल अकाउंट बना चुके हैं और फ़ोनपे में बैंक अकाउंट को भी सक्सेसफुल ऐड कर चुके हैं। फ्रेंड्स इसमें आप और भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको नीचे एक बटन मिलेगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करके आप और भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम बैंक आते हैं। फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए, तो बैलेंस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक बार होम के बटन पे प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक बैलेंस, तो आपको सिंपल सा बैंक बैलेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका बैंक का जहाँ पे नाम लिखा हुआ इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे लोडिंग हुआ। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स आपने जो UPI पिन को बनाया है उस पिन को यहाँ पे आपको डालना है। पिन को डालने के बाद में आपको राइट क्लिक पे क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है इतना बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं फ़ोनपे से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, मनी ट्रांसफर करने के लिए या कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो यहाँ से बैंक आना है। एक बार आपको होम के बटन पर प्रेस कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोबाइल रिचार्ज, इस पर क्लिक करके आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट। यदि आप चाहते हैं किसी का फ़ोनपे का मोबाइल नंबर डालकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो फर्स्ट ऑल पर क्लिक करना है। यदि आप चाहते हैं किसी का IFSC कोड अकाउंट नंबर डालकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें का तीसरा है टू सेल्फ। फ्रेंड्स यदि आप फोनपे में एक से अधिक बैंक अकाउंट ऐड करके रखे हैं और आप चाहते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेल्फ मनी ट्रांसफर करने के लिए, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। या बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए आप फोर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप सबको मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप सभी को एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि फ़ोनपे से मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं, मनी ट्रांसफर कैसे करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और यदि इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई डाउट प्रॉब्लम या किसी तरह की कन्फ्यूजन हो रही है या कुछ पूछना है, तो आप इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका एक छोटा सा घंटे होगा, उस पर क्लिक ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो है।